नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बिहार पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी साल के हो, यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम एक, मैक्सिमम दो से तीन प्रश्न पूछा जाता है। जिस टॉपिक का नाम है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति, या आप बोल सकते हैं उसे सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह से हर हाल में एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हम आपके सामने इतने क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बाद इसको मिटाकर और 15 से 20 क्वेश्चन लिखेंगे। आज का क्लास भले थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन पूरा कंटेंट जो है 1857 के क्रांति का, यानी सिपाही विद्रोह के क्रांति का, उसका संपूर्ण रूप से देने जा रहे हैं। आपके सामने भले ये बोर्ड स्मार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्मार्ट कंटेंट जरूर है, देख सकते हैं। इतना स्मार्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इसलिए अंत तक देखना है। और जो साथी मेरे नए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस में सफलता आपको इसी चैनल से मिलेगी, क्योंकि 12 से 15 मिनट में आपको इस चैनल पर वो कंटेंट मिल जाएगा जो दूसरा जगह चार चार घंटा केवल MCQ क्वेश्चन बनाते रह जाइएगा नहीं मिलने वाला है। मेरा एक ही मुख्य उद्देश्य, जिस टॉपिक को अब लाएंगे पूरे गहराई के साथ लाएंगे, उससे कोई भी प्रश्न आपका छूट नहीं सकता है। आपको देखकर लग ही गया होगा, एक क्लास देखिए 1857 के क्रांति, और इससे कोई भी बुक का क्वेश्चन बनाइए, आपसे जरूर बनेगा। ये जो लिखे हैं, इसके बाद और 15 से 20 क्वेश्चन है, उसको भी देखना है और समझना भी है। केवल देखने से नहीं होगा, समझना भी है। और आपको कमेंट में अपने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दी है, वहाँ से भी जुड़ जाना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। मतलब 1857 में जो आपका क्रांति हुआ, अपने समझिए देश के आज़ादी का, क्रांति का शुरुआती हुआ था उस टाइम। तो 1857 के क्रांति का जो तत्कालिक कारण था, वो चर्बी वाले कारतूस, यानी कि चर्बी वाले कारतूस के चलते ये क्रांति हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सेना जो होता है, सेना में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। अगर किसी मतलब चीज़ में वहाँ गाय हो गया या सुअर हो गया, किसी भी चीज़ के चर्बी का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, विद्रोह होना तय है। और भारत में अंग्रेजों का क्या नीति था कि फूट डालो और शासन करो, जिसके कारण यही एक ऐसा आंदोलन था जिस पे पूरा भारतीय बिना किसी जाति पाति धर्म के एक साथ होकर भारत में आज़ादी के लिए लड़ाई की शुरुआत करते हैं। अब पूछेगा 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण या मुख्य कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। चर्बी लगे कारतूस के विरोध पहली घटना कब घटती है, इसको याद रखना है। 29 मार्च 1857 बैरकपुर, कहाँ पे? चर्बी लगे कारतूस के विरोध पहली घटना जो आपकी है, वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से विद्रोह चालू होता है, घटना घटती है। मंगल पांडे का आप नाम सुने होंगे बार बार। मंगल पांडे किस सेना रेजिमेंट में थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वो है आपका 34वीं बटालियन जो था, वो कहाँ पर था? बैरकपुर से जुड़े हुए थे। पूछेगा कि मंगल पांडे किस सेना रेजिमेंट में थे, 34वीं बटालियन बैरकपुर। और अगर आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपके सामने ये जो प्रेप ऐप दिखाई दे रहा है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हैं। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कूपन कोड को यूज कीजिए, प्रेप ऐप का, जो 499 का आपको 1 ईयर का फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, यानी एक साल 500 प्लस एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस से संबंधित, SSC से संबंधित, बिहार SSC, रेलवे, NTPC, जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम का मात्र 199 में एक साल का आपको पास मिल जाएगा। इस कूपन कोड को यूज कीजिए प्रेप ऐप के द्वारा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हैं।
अगला है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है? क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, 10 मई 1857 को। कहाँ से होती है? वो मेरठ से होती है। देखिए पहली घटना पूछे कहाँ घटी, तो बोलिएगा बैरकपुर में इसकी पहली घटना घटती है, कि मतलब इस तरह के कारतूस का प्रयोग किया गया है चर्बी वाला। लेकिन इसके विरोध जो है आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 10 मई 1857 मेरठ से। मेरठ कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है झांसी के विद्रोह, 5 जून 1857। ये जो विद्रोह था आपके पूरे देश में फैलते चला गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि झांसी के विद्रोह 5 जून 1857 का दमन करने वाला अंग्रेजी अधिकारी कौन था? तो जनरल ह्यू रोज था। यानी कि झांसी के विद्रोह 5 जून 1857 का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी जनरल ह्यू रोज था। इसमें इसी आंदोलन में आपके वीर कुंवर सिंह थे, इसलिए अंत तक देखना है। पूरे इसके जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कंप्लीट कराएंगे, इसके बाद भी आपका 15 से 20 क्वेश्चन है। किसने कहा, क्वेश्चन है किसने कहा कि यह एक जन विद्रोह था? यानी कि जन विद्रोह मतलब जनता के द्वारा शुरू किया गया विद्रोह था। तो लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि यह एक जन विद्रोह था। किसने कहा कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था? कुछ लोग बोलते थे कि स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, तो आरसी मजमूदार जो थे वो बोल रहे थे कि 1857 का जो आपका क्रांति है वो स्वतंत्रता विद्रोह नहीं था। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हर हाल में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है किसने कहा कि यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध था? वीर सावरकर ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी आज़ादी के लिए एक तरह से युद्ध था, वीर सावरकर। मंगल पांडे को फांसी कब होती है? 8 अप्रैल 1857 को, याद रखिएगा। मंगल पांडे को आपको फांसी की सज़ा दी जाती है। पूछेगा मंगल पांडे किस बटालियन से जुड़े थे? 34वीं बटालियन बैरकपुर से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है किसने कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है? सर जॉन लॉरेंस सिले के द्वारा कहा गया कि यह एक सिपाही विद्रोह है। देखिए 1857 की क्रांति को ही हम लोग सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। किसने कहा 1857 का विद्रोह भारत का पहला संग्राम था? पटामी सीता मैया ने। पटामी सीता, ये क्या लिखा है? पटाभी सीता रमैया, ठीक, इसको अच्छे से देखिएगा। किसने कहा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? अशोक मेहता बेंजामिन डिजाइनली जो है उन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। मतलब इस आंदोलन के भारत में शुरुआत होती है, इसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। अगला है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मतलब भारत की आज़ादी की पहली वार, यह किसके द्वारा कहा गया? तो बी डी सावरकर ने कहा कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, ठीक, ये किसने कहा? बी डी सावरकर। याद रखिएगा कि किसके द्वारा कौन सा कथन कहा गया, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। और ये जो लाइन है बहुत बार पूछता है, अंत तक देखना है, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद भारत पर किसका शासन चलने लगा? ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का। क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 के क्रांति से पहले भारत पर किसका शासन था? तो वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन 1857 में जब विद्रोह हुआ उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि अपने हाथ में सत्ता लेकर भारत की सत्ता को चलाने लगे। अगला है ईस्ट इंडिया पूर्णतः समाप्त तथा ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार कब हुआ? 1858 में। अभी आपको बताएं कि ईस्ट इंडिया जो आई थी 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को उन्होंने पूरा समाप्त हो गया, और यहाँ पर किसका? ब्रिटिश सरकार का पूरा अधिकार हो गया। किस कमीशन के अनुसार, किस कमीशन के आधार पर सेना में रेजिमेंट को जाति समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया? अभी आप सुने होंगे कि जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट,
कौन कौन से रेजिमेंट होते हैं आप लोग सुने होंगे, उसी टाइम के ये सब रेजिमेंट बनाया गया रॉयल कमीशन के द्वारा। रॉयल कमीशन पूछेगा कि किस कमीशन के आधार पर भारतीय सेना में रेजिमेंट की स्थापना की जाती है जाति के आधार पर, तो रॉयल कमीशन। अब देखिए अगला जो 15 से 20 क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप देखिए। अब हम लोग देखेंगे जो 1857 की क्रांति हुई यानी सिपाही विद्रोह जो आपका होता है उसमें कौन से जगह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। जैसे बिहार का नेतृत्व आप लोग सुने होंगे वीर कुंवर सिंह जो आरा के थे जगदीशपुर का, उनके द्वारा नेतृत्व किया गया। उसी तरह से हम 11 जगह का आपको बता रहे हैं, ये आपके एग्जाम में हर जगह देखिएगा तो जरूर इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। कैसे पूछेगा कि 1857 के विद्रोह दिल्ली का नेतृत्व किसने किया, तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं विद्रोह केंद्र यानी कौन सा स्थान पर हुआ था, और यहां पर है आपका विद्रोह के नेता यानी कि उस विद्रोह के नेता कौन थे। ठीक, इसको ध्यान से देखते चलना है। पहला है दिल्ली, दिल्ली का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे आपके बहादुर शाह जफर यानी कि जिन्नत महल, जो मुगल वंश के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर। अगला है कि लखनऊ का नेतृत्व किसने कर रहे थे, तो वो है आपका बेगम हजरत महल। देखिए ये सब कंटेंट आपको एक जगह किसी बुक में खोजिएगा, इतने सुचारू रूप से नहीं मिल सकता है, इसको कलेक्ट करने में कम मिनिमम 3 से 4 घंटा समय लगता है। अगला है कि कानपुर का नेतृत्व किसने किया, तो है आपका नाना साहब के द्वारा कानपुर का नेतृत्व किया गया है। अगला है कि झांसी का नेतृत्व किसने किया, तो रानी लक्ष्मीबाई। दम याद रखना है, हर हाल में एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अगला है कि इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया यानी कि लीडिंग किसने किया, तो लियाकत अली। नेतृत्व का अर्थ हुआ कि मान लीजिए जैसे आपके क्षेत्र में बिहार में किसी तरह का आंदोलन हो गया, सपोर्ट डेटा मान लीजिए मोतिहारी से हैं, तो हो सकता है कि मोतिहारी का किसी न किसी को नेता बनाया जाता है कि आप इस जगह का देखिए, कोई मुजफ्फरपुर से है तो वहाँ का बोला जाता है, कोई सिवान से है तो वहाँ का बोला जाता है, कोई भागलपुर से है तो वहाँ, कोई पूर्णिया, हर जगह का बनाया गया था। ठीक उसी तरह से हर क्षेत्र का इस पूरे देश में बनाया गया था। अगला है कि इलाहाबाद का लियाकत अली हो गए, बनारस आपका सेना जनसाधारण था, एकदम सिंपल रूप से था। बिहार का जो था आपका कुंवर सिंह के नाम सुने होंगे जो आरा जगदीशपुर के थे। अगला है पंजाब, पंजाब का नेतृत्व सेना जनसाधारण था। बरेली का आपसे पूछेगा तो बरेली का बोलिएगा कि खान बहादुर खान के द्वारा इसका नेतृत्व यानी कि लीडिंग किया गया। फतेहपुर का किसने किया, तो अजीमुल्लाह के द्वारा फतेहपुर का नेतृत्व किया जाता है। अगला है कि फैजाबाद जिसे वर्तमान नाम अभी क्या है अयोध्या, पूछ सकता है कि अयोध्या का नेतृत्व या फैजाबाद, मौलवी अहमद उल्लाह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, यानी 11 स्थान का आपको नाम बता दी गई। ये आपका सबसे मस्ट कंटेंट था, बहुत अच्छा, हमको लग रहा है कि इतना अच्छा आप कहीं पढ़िएगा 3 से 4 घंटा तब भी आपको नहीं मिल सकता है, और हमको उम्मीद है कि साफ जरूर दिखाई दे रहा होगा, बहुत सुधार कर रहे हैं। और कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप बिहार पुलिस के लिए लिंक भी डाल चुके हैं, आप मेरे साथी वहां से भी जुड़ सकते हैं। डेली शाम में 6:30 बजे ऐसे ही क्लास अभी चलाते रहेंगे, समय बहुत हो 15 से 20 दिन चलने दीजिए, उसके बाद इस क्लास को डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, 4 टाइम करेंगे, जिस टाइम तरह से उस समय पढ़ाए थे उससे अच्छे ही कंटेंट इस बार देने की कोशिश करेंगे, लेवल बढ़ा रहे हैं। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।